पिज्जा पराठा, पेट नहीं खाना है तो पराठे में ऑप्शन है कि हम आपको पिज्जा पराठा बना देते हैं। तो ठीक है मैम, बनाइए आज आपका पराठा। ऑनियन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, अब आएगा गार्लिक, अब इसमें आएगा टमाटर, अब आएंगे सारे मसाले जो कि एवरेस्ट कंपनी के ही यूज करते हैं, इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है, अभी इसमें पनीर आएंगे। ये हो गया रेडी, अब इसको हम स्टफ करेंगे। मैम जहाँ तक हमने देखा है पिज्जा तो हमेशा मैदे के आटे में बनाया जाता है, गेहूँ के आटे में आप बना रहे हो, मतलब इसका राज क्या है? क्योंकि सब मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं, किसी को पचता नहीं है, किसी को हेल्थ इशू हो जाता है, इसके लिए प्योर गेहूँ का आटा। तो मैम जिम वालों को भी आप रिकमेंड कर सकते हो ये पिज्जा? रिकमेंड कर सकते हो, विदाउट ऑयल बटर आपको बना के दे सकते हैं। बाकी फिर थोड़े मसाले, तो अभी थोड़ा चटपटा खाना है तो थोड़ा तो मसाला रहेगा। ये हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम बेल लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम सेलो फ्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ऑयल बटर कुछ नहीं डाला है, तो हम थोड़ा हल्का सा ऑयल डालेंगे, जल्दी पकने में आसानी। आपको 5-6 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि पनीर चीज़ पिज्ज़ा है, स्पेशल पिज्ज़ा है, बटर रोल पिज्ज़ा है, जैन पिज्ज़ा है, फिर चिली पनीर चीज़ पिज्ज़ा है। फ्रेंड हम बोले ना बोले लेकिन आज मैडम अपना सारी वैरायटी आपको बताने वाले हैं, और अगर आपको ट्राई पराठे का स्वाद उठाइए, अगर आपको खाना है तो सूरत में नियर बाई पिपलोद में लेंसर आर्मी स्कूल के पास पटेल पराठा है। तो गाइस देखिए हल्का लाल ऑयल डाल के कर रहे हैं, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल के सकते हैं, विदाउट चाहिए तो विदाउट भी मिल सकता है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग बना के देंगे। मैम कस्टमर चॉइस को कुछ ज़्यादा ही मायने देती है, कस्टमर को मायने देंगे तभी तो अपने बिजनेस से देंगे ना। क्या बात है मैम, खुश होकर जाएगा, यही चार को रिकमेंड करेगा कि आप पटेल पराठा ले जाएंगे। ये क्या है मैम? बटर, बटर इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसमें मसालों का स्वाद आ सके। मेयोनीज ऑप्शनल है, आप उसको अगर फ्राई नहीं खाना है आप ऊपर से ऐसे ही तलवा के खा सकते हो, और विदाउट मेयोनीज चाहिए तो भी खा सकते हो। अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जो उनको इस टाइप से चाहिए वो उस हिसाब से बना सकते, ये कस्टमर की चॉइस के डिपेंड है। अब इसको हम अच्छे से गला देंगे पूरे पराठे को, ये हमारा रेडी हो चुका है, अभी इसको हम कट करेंगे 8 पीसेस में कट करेंगे। तो मैम इसके ऊपर भी कुछ आप ऐड करने वाले हो? इसके ऊपर चीज़ आएगी,
देखिए मैडम भर भर के अमूल चीज डाल रहे हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है पिज्जा पराठा। तो मैम इसके साथ और क्या आता है? इसके साथ दही सॉस चटनी आएगा। ये इस तरह से सर्व होता है।